बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 साल बाद, 7 साल पहले मैं तुम्हारी आय का 7 गुना था। तो अगर हम उसकी पुत्री की आयु यक्ष मानेंगे तो 7 साल पहले उसकी आयु यक्ष माइनस 7 होगा, और आफताब की आयु वाई माने तो 7 साल पहले उसकी आयु वाई माइनस 7 होगा। क्लियर है? तो फिर कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो अगर 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है बच्चों, तो दोनों की आयु में 3 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 साल वो लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। क्लियर है? इसी को हमें गणितीय एवं ग्राफी विधि से व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। माना आफताब की आयु बराबर यक्ष वर्ष तथा आफताब की पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। अब देखिए, प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या है? कह रहा है, 7 साल पहले मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी? अभी तो यक्ष है, 7 साल पहले 7 घट जाएगा, यानी यक्ष माइनस 7 बराबर हो जाएगा पुत्री की आयु वाई। 7 साल पहले की बात कर रहा है तो 7 साल घटा देंगे, इसका 7 गुना है तो गुणे 7 हो जाएगा। साल करेंगे, यक्स माइनस 7 बराबर 7 वाई माइनस 49। क्लियर है? अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे। यक्स बराबर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, यक्स बराबर आ जाएगा 7 वाई माइनस 49, और ये प्लस 7 माइनस 7 इधर आएगा, प्लस 7 हो जाएगा। तो 49 में से 7 घटाएंगे आप लोग, माइनस 49 प्लस 7, साल्व करने पर आएगा माइनस 42। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 42। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। फिर द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में कह रहा है, 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो यहाँ पे आएगा, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर पुत्री की आयु गुणे 3। अभी देखिए, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 3, क्योंकि 3 साल वो लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। क्लियर है? बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु, तो 3 साल बाद उसकी आयु 3 और बढ़ जाएगा। तो अभी कितना है? अभी उसकी आयु वाई है, तो 3 साल बढ़ेगा तो वाई प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 3 बराबर आएगा 3y+9। आगे सॉल्व करेंगे इसे, यक्स बराबर आएगा 3y, ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 सॉल्व करने पे आएगा +6। इक्वेशन सेकेंड। अब ये हमारा बीजगणित हल हो गया। इनको सॉल्व करने पर हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ज्यामिति निरूपण। क्या देखेंगे? ज्यामितीय निरूपण।
यहाँ लिखेंगे ज्यामितीय विधि से समीकरण एक से देखेंगे, यहाँ पे दिया है x बराबर 7y-42। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान y पर निर्भर कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे y का मान बढ़ाते या घटाते जाएंगे वैसे वैसे x का मान भी बढ़ता और घटता जाएगा। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा x बराबर प्राप्त हुआ है 3y+6, यहाँ भी x का मान y पर निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे y का मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे उसी प्रकार x का मान भी बढ़ता या घटता रहेगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रफ कार्य करेंगे हम, यहाँ पर x बराबर 7y-42 है, तो अगर y का मान 0 रखा जाए तो x बराबर हो जाएगा 7×0-42, तो घटाएंगे आपको मिलेगा -42, क्योंकि 0 का गुणा 7 में होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा -42। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान आएगा -42। क्लियर है? अगला हमने रखा y का मान, हम 8 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे 7 रख देते हैं y का मान, सॉरी y का मान अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 7×6=42, 42 में से 42 जाएगा तो 0 आएगा। अगला इसका मान मैं 8 रख रहा हूँ, तो जब y का मान 8 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7×y, y का मान देखिए 8 है -42, तो 8×56 मतलब 7×8=56 आएगा, -42 करेंगे तो यहाँ पे 14 प्राप्त होगा। क्लियर है? अगर यहीं पे 7 रखा जाए तो 7 रखने पर यहाँ पे 7×7=49 मतलब 49 में से 42 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3, यहाँ पे देखिएगा 3×0+6 मतलब ये आएगा 6। यहाँ पे अब डियर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो y बराबर 1 रखने पर 3×3+6 मतलब मिल जाएगा ये 9। यहाँ पे 2 रखेंगे आप तो 6 हो जाएगा, ये 6+6=12 आएगा। यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो 3×3=9 हो गया, +6=15 आएगा। इसी तो देखिए पहले समय के लिए y बराबर 7x-42 के लिए y का मान 0 है तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पर 7×0 0 आ जाएगा, -42 बच जाएगा। ठीक है? फिर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 7×6=42, 42 में से 42 घटाएंगे 0 आएगा, 7 रखेंगे तो 7×7=49, 49 में से 42 घटाएंगे 7 बचेगा, 8 रखेंगे 8×7=56 में से 42 घटाएंगे 14 बचेगा। क्लियर है? तो हम किन्हीं दो बिंदुओं को, या इन दोनों या किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेकर एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए हम 0,0 को लेकर जब खींचेंगे तो x का मान क्या है, 0, y का मान 6, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 6। क्लियर है? तो 0,6 एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, दूसरा यहाँ पर लेंगे तो y का मान 0 है, x का मान -42, तो -42 यहाँ पर है, जब x का मान -42 है तो y का मान 0, यानी एक बिंदु यहाँ पर। इन दो बिंदुओं को मिला के हम एक रेखा खींच देंगे ऐसे। क्लियर है? किन्हीं दो बिंदुओं को मिला के खींचिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 7,7, x का मान 7 है तो y का मान भी 7 है यहाँ पर, तो x का मान 7 यानी यहाँ पर, y का मान 7 मतलब यहाँ पर, तो देखिए ये वाला बिंदु भी इसी रेखा पर प्राप्त होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, अब ये रेखा को दिखाएगा x बराबर 7y-42, ये रेखा x बराबर 7y-42 को निरूपित कर रहा है। दूसरा हमारा जो होगा x बराबर 3y+6 के लिए, तो आप लोग कहेंगे निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6,0, यहाँ पे 9,1 आएगा, यहाँ पे 12,2 आएगा, यहाँ पर 0,-2 आएगा, पहले x का मान बाद में y का मान। तो x का मान 6 है
यानी यहाँ कहीं पर, तो वाई का मान 0 आया, यानी एक बिंदु तो यहाँ पे प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु हम ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान -2, वाई का मान -2 यानी यहाँ पर एक्स का मान 0। तो इन दो बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा खींचेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये रेखा ऐसी जाएगी। ये रेखा ऐसे जाएगी डियर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर मिलेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर है? अगला देखते हैं अगला वीडियो। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे डियर, यहाँ पे देखिए, न तो मुझे बल्ले का मूल्य ज्ञात है और न ही गेंद का। तो हम मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य एक्स तथा गेंद का मूल्य वाई है। तो 3 बल्ला यानी 3 एक्स और 6 गेंदे मतलब 6 वाई दोनों को जोड़ने पर 39 विधि से व्यक्त करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपये तथा एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है। जैसा कि स्टूडेंट पहले शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपये है, तो एक बल्ले का मूल्य एक्स तो 3 बल्ले का मूल्य 3 एक्स, इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य वाई तो 6 गेंद का मूल्य 6 वाई। लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से हो जाएगा 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर 39। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 3x, एक गेंद का मूल्य y, 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर आएगा 3900। 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो एक्स प्लस 2y बराबर आएगा 3900। भाग देंगे 3 1 3 3 1 3 3 3 9 00 उतर जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बराबर मिलेगा -2y, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त में कह रहा है कि 3 एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य 1300 रुपये है। एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300। एक बल्ले का मूल्य कितना एक्स, 3 गेंद का मूल्य कितना 3y बराबर 1300। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर आएगा 1300 -3y, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे ग्राफी विधि से इसका निरूपण। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, जब y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा 1300। पुनः जब अगर इसका मान मैं 300 रखूं, 400 रखूं, 500 रखूं, 600 रखूं, तो इसका भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे, ऐसा मान लेंगे ताकि यह क्या हो जाए, लगभग 0 या 0 के बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 650 रखूंगा,
वाई का मान 650 रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 650 का दुगना करेंगे तो ये 1300 हो जाएगा, 1300 में से 1300 घटाएंगे 0 आएगा, क्लियर है। इसके अलावा और भी मान आप ले सकते हैं जो भी चाहें, यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा जो भी वैल्यू रहेगा वह सैकड़े में रखिएगा, क्लियर है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ 400 रख देता हूँ, तो चार देखिए, 4 दूनी 800, 1300 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा 500, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे अभी इस समीकरण में क्या होगा, जब मैं यहाँ पर वाई बराबर 0 रखूंगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1300। पुनः इस बार क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे ताकि ये 0 हो जाए या 0 के बराबर हो जाए, तो 0 करना थोड़ा दशमलव में आ जाएगा डियर, इसलिए हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे 400 ले लेते हैं, तो 4 तिहाई 1200, जब हमने वाई का मान 400 रखा तो यहाँ पे आएगा 4 तिहाई 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे तो 100 बचेगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर हम वाई बराबर 300 लेंगे तो 3 3 का 900, 1300 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा 400। यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक बिंदु, इन्हीं में से इन्हीं दो वैल्यूओं को लेकर हम इनके लिए रेखा खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं निर्देशांक क्या हो गया, 1300, 0, यहाँ पे हो गया 0, 650, यहाँ पे हो गया 500, 400। इसी प्रकार यहाँ पे खींचेंगे 1300, 0, 100, 400, और यहाँ पे आएगा 400, 300, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वह सब सैकड़े में रहेगा, तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं वाई का मान 0 लूंगा तो यक्स का मान 1300 आएगा, यक्स अक्ष का मान पॉजिटिव होता है, यक्स डैश का मान निगेटिव होता है, वाई अक्ष का मान पॉजिटिव होगा और वाई डैश का मान निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेंगे यक्स का मान 1300, तो 1300 तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है स्टूडेंट, अगला वैल्यू लेंगे 0, तो यक्स का मान जब हमने 0 लिया तो वाई का मान 650 मिलेगा, देखिए यक्स का मान 0 तो वाई का मान 650, यह है 600, यह है 700, बीच में होगा 650, तो एक बिंदु तो यहाँ पे मिल गया 0, 650, क्लियर है। अगला, जब हमने यक्स का मान 500 लिया तो वाई का मान 400 मिला, तो यक्स का मान 500 लेने पर वाई का मान 400 मिलेगा। अब 400 के ठीक सामने और 500 के ठीक ऊपर ये एक बिंदु मिलेगा, इन दोनों बिंदुओं को इसको हम लिखेंगे, इस बिंदु का नाम है 500, 400। देखिए लीजिए, इन दोनों बिंदुओं को मिला के अगर आप रेखा खींचेंगे तो यह रेखा ही समीकरण यक्स बराबर 1300 - 2y को दिखाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगली रेखा के लिए, जो कि है यक्स बराबर 1300 - 3y। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब यक्स का मान तेरह सौ लेंगे तो वाई का मान 0 मिलेगा। आप 1300 दिखा नहीं सकते यहाँ, तो काफी दूर है और बुक में आ भी नहीं रहा है, इसलिए हम आगे देखेंगे, यक्स का मान रखेंगे 100, जब यक्स का मान हमने 100 लिया तो वाई का मान मिलेगा 400। तो यक्स का मान हमने 100 लिया यहाँ पर, वाई का मान मिलेगा 400, यानी यहाँ पर, तो इसके ठीक सामने और 100 के ठीक ऊपर एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का नाम है 100, 400, क्लियर है डियर। नेक्स्ट अगला बिंदु लेंगे, हमने यक्स का मान 400 लिया है, वाई का मान 300, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं डियर, 200 रखेंगे तो यहाँ पे 900 आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ 400 रखा तो 300 आया, तो यक्स का मान 400 लिया, वाई का मान 300, 300 के ठीक सामने और 400 के ठीक ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। अब डियर, इन दो बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींचेंगे वही रेखा यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं, तो ये है 400, 300। तो ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा यही रेखा समीकरण यक्स बराबर 1300
-3y को निरूपित करती है। अब भैया ध्यान दीजिएगा, ये रेखा आगे जाके कहीं कहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी 1300,0 मिल रहा है, यहाँ भी 1300,0 मिल रहा है, अर्थात यह रेखा इस बिंदु को आगे बढ़ाया जाता तो 1300 जहां पर पड़ता वहां पे ये दोनों रेखाएं मिल जाती। क्लियर है? तो यहां से अनुमान लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगी, इसलिए ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम देखेंगे डियर इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। ये अंतिम सवाल कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो हम मान लेंगे सेब का मूल्य x है और अंगूर का मूल्य y। तो 1 किलो सेब का मूल्य x, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x, 1 किलो अंगूर का मूल्य y, तो y हो जाएगा, अर्थात 2x प्लस 1y बराबर 160 हो जाएगा। इसी तरह बाद में निकालेंगे 4 किलो सेब यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर यानी 2y बराबर आएगा 300। क्लियर है? क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य x है तो 4 किलो सेब का मूल्य 4x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y, दोनों को जोड़ने पर 300 आएगा। अब इसको हम बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से व्यक्त करेंगे। ठीक है, माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर 100 रुपए तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। अब प्रथम शर्त से पहली शर्त में कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर 160। तो 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपए, 2 किलो सेब का मूल्य 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y, तो यहाँ पे आएगा y बराबर 160। ठीक है, अब यहां से y का मान निकाल लीजिए, y बराबर आएगा 160 माइनस 2x, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2x बराबर आएगा 160, ये प्लस y है इधर आएगा माइनस y, दो गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा। क्लियर है? अभी आगे देखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त में कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य बराबर 300। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 300, भाग दे देंगे डियर 150 आएगा, यहाँ पर काटने पर दोनों पक्षों में दो का भाग दिया तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 150, ये प्लस वाई है इधर आएगा डियर माइनस वाई हो जाएगा, पुनः ये दो गुणे में है इधर आएगा भाग में, तो x बराबर मिलेगा 150 माइनस वाई भागे 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको हम ज्यामिति विधि से दिखाएंगे तो कहेंगे एक ग्राफ हम खींचेंगे पहले समीकरण के लिए जो कि x बराबर 160 माइनस वाई बटे 2 है, और ये दूसरा समीकरण है x बराबर 150 माइनस वाई बटे 2। तो पहले देखेंगे x बराबर 160 माइनस वाई बटे 2, तो देखिए ये है y अक्ष, ये है x अक्ष, ये है x डैश अक्ष, और ये जो नीचे है ये रहेगा y डैश अक्ष। अभी देखेंगे हम लोग
यहाँ पे ले रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, यहाँ पे होगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, यहाँ पर आएगा माइनस 20, माइनस 40, माइनस 60, माइनस 20, माइनस 40, माइनस 60, माइनस 80, माइनस 100, माइनस 120। अब देखिएगा डियर, यहाँ पर अगर मैं y का मान 0 रखूँगा तो यहाँ पर आएगा 160 माइनस 0 बटे 2, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, 160 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 80। इसी प्रकार जब इसका मान मैं 20 रखूँगा तो 20 रखने पर 160 में से 20 घट जाएगा, 70 आएगा, 160 में से 20 घट जाएगा 140 आएगा, 140 में 2 का भाग देंगे 70 आएगा। तो मैं बड़ा वैल्यू रखूंगा, मैं रखूंगा यहाँ पर 60, 70, 20, 30, वाई का मान मैं रख रहा हूँ 40 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 40 रखूंगा तो कितना आएगा 160 में से 40 जाएगा, 120 बचेगा, 120 में 2 का भाग देंगे 60 आएगा। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे 60 रखूंगा तो यहाँ पे 160 में से 60 घट जाएगा, 100 बचेगा, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा। फिर यहाँ पर जब मैं 50 रख दूंगा तो देखिएगा क्या होगा, 160 में से 50 जाएगा, 110 बचेगा, 110 में 2 का भाग देंगे 55 आएगा। तो यहाँ पे हम 80 कर लेते हैं डियर, 80 रखेंगे तो 160 में से 80 घटाएंगे, 80 बचेगा, 80 में 2 का भाग देंगे 40 आएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आप कुछ भी वैल्यू रख के यहाँ पे दो, कोई दो बिंदु निकाल लीजिए। अब हम इसके लिए देखेंगे, तो यहाँ पर जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 150 में से 0 जाएगा, 150 आएगा बट्टे 2, मतलब 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 आएगा। अब इसका मान अगर मैं 20 रखूंगा तो 20 रखने पर कितना आएगा, चलिए ऐसा मान रखते हैं जो आसानी से कट जाए, तो यहाँ पे 30 हम रखेंगे, 30 जब यहाँ पर हम मैं 30 रखूंगा, अगर मैं y का मान 30 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 120, क्योंकि 150 में से 30 घट जाएगा, 120 में 2 का भाग देंगे 60 आएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे 50 रखिएगा, क्योंकि विषम संख्याएं हैं ये, तो हम संख्याएं भी विषम रख रहे हैं, तो जब यहाँ पर आप रखेंगे 50 तो ये आएगा 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50। क्लियर है? 150 में से 50 घटेगा, 100, 100 में 2 का भाग देंगे 50। फिर यहाँ पे आप रखेंगे 70, 70 रखने पर क्या मिलेगा आपको 80, 80 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 40। अब इन्हीं में से किन्हीं दो वैल्यू को लेकर हम ग्राफ खींचेंगे डियर। तो चलिए देखिए, जब x का मान, y का मान 0 था तो x का मान 80 मिला, यानी यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, और फिर जब y का मान 40 था तो x का मान 60 मिला, x का मान 60, y का मान 40, 40 के ठीक सामने और 60 के ठीक ऊपर एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, ये दो बिंदु मिल गए। इन दो बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे जो ऐसे जाएगा, क्लियर है? इसी प्रकार हम, ये हमारा हो गया बिंदु 60 का मां 40, और ये था डियर 0 का मां, सॉरी 80 का मां 0। तो अब ये रेखा हमारी जो है ये दिखा रही है पहले समीकरण को, यानी जो है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दूसरी रेखा के लिए खींचेंगे, तो दूसरी रेखा में आप देखेंगे y का मान 0 तो x का मान 75, 75 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा डियर। तो x का मान 75 आया, एक बिंदु यहाँ पे भी मिल गया, दूसरा जब y का मान 30 रखेंगे, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं पर 30 रखेंगे तो x का मान 60 आएगा, यानी ये 60 और ये 30 यहाँ कहीं पर, ठीक है? पुनः एक और देख लेते हैं, यहाँ पर 50 रखेंगे तो ये भी 50 आएगा, 50 मतलब 40 और 50 के बीच में, जब x का मान 50 रखेंगे अर्थात
एक्स का मान 50 तो वाई का मान भी 50। अब देखिए इन दोनों के बीच में 50 आएगा, तो एक्स का मान 50 हो गया, वाई का मान भी 50 हो गया, दोनों को मिला दीजिए। अब इन सबको मिलाने पर तो रेखा प्राप्त हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्लियर, ये रेखाएं क्या आगे चल के कहीं मिलेंगी, कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।